शानदार मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए क्या मैं बुला लूं? आर यू रेडी? तो आपकी शानदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा, हेल्पिंग वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर सचिन अग्रवाल। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सचिन अग्रवाल है। बेसिकली हम आलू प्याज और मसाले का व्यापार करते थे। पिछले कुछ समय से इस अभियान में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस अभियान में अपनी सेवाएं देते हुए हमें जो कुछ भी मिला उन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा सम्मान मिला, पूरे भारत में घूमने फिरने का मौका मिला, बहुत सारी खुशियाँ मिली और आज इस अभियान की जानकारी आपको देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि ये अभियान देशव्यापी है इस वजह से शायद आपने इसका कहीं ना कहीं नाम सुन रखा होगा, लेकिन मैं आपको आज कुछ नई और खास जानकारियां देना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकारियां आपको पसंद आएगी। वैसे तो इस अभियान के विस्तृत उद्देश्य हैं, लेकिन आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज मैं मुख्य तीन उद्देश्यों की जानकारी आपको देना चाहता हूं। आरसीएम का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा, आज हर व्यक्ति चाहता है कि वह स्वस्थ रहे। आज हर व्यक्ति की यह दिली इच्छा होती है कि उसके परिवार में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, मगर बाजार में जिस प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं उन चीजों का उपयोग करते हुए खुद को स्वस्थ रख पाना बहुत कठिन होता चला जा रहा है और इसी वजह से इसकी जिम्मेदारी आरसीएम ने ली है। और आरसीएम चाहता है कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे और इस देश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। आज हर व्यक्ति अपनी अपनी जिंदगी के जद्दोजहद में इस कदर व्यस्त है कि एक व्यक्ति को दूसरे के बारे में सोचने तक का वक्त नहीं है। आरसीएम चाहता है कि एक ऐसे मूल्य आधारित समाज का निर्माण हम कर सकें जहां प्रेम हो, सद्भावना हो, आपसी सौहार्द हो, बहुत सारा प्यार हो। यह हमारा दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और हमारा तीसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वावलंबन। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है बेरोजगारी की समस्या, लेकिन आरसीएम का यह उद्देश्य है कि हर व्यक्ति स्वावलंबी बने, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार के हर जरूरत को, हर सपने को स्वयं पूरा कर सके। ये तीनों उद्देश्य आपको निश्चित रूप से अच्छे लगे होंगे और ऐसा कोई व्यक्ति इस देश में नहीं होगा जो इन उद्देश्यों पर काम करना ना चाहे, लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा सिस्टम आ गया जो इन उद्देश्यों पर काम कर रहा है। तो आज यही जानकारी आपको देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, उसके लिए आरसीएम किस प्रकार से काम करता है। देखिए, स्वास्थ्य का संबंध खान पान से है। आज हम किस प्रकार का भोजन लेते हैं, कैसा खाना खाते हैं, शरीर में क्या डालते हैं, उसी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा या खराब होगा ये निर्भर होता है। क्योंकि जब तक हम अच्छा भोजन नहीं लेते, शुद्ध भोजन नहीं लेते, तब तक दवाइयां कितनी भी खा लें, बाहर से कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। एक मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, अगर हम पेट्रोल की जगह उसमें किरासिन तेल डालकर चलाएं तो क्या होगा? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इंजन में खराबी आनी शुरू हो जाएगी। और आज बाजार में इस प्रकार की चीजें मौजूद हैं कि जिनसे स्वास्थ्य को बचा पाना बहुत कठिन है। इसी वजह से आरसीएम ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिस कड़ी में मैं पहला प्रोडक्ट आपको बताना चाहूंगा, आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल। शायद आपने आरसीएम के हेल्थ गार्ड तेल का इस्तेमाल किया होगा, कुछ लोगों ने किया है। आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल, ये एक राइस ब्रांड ऑयल है, औषधि युक्त एक ऐसा तेल है जिसकी निरंतर इस्तेमाल से कई सारी तकलीफें, कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। कि ट्रांसफेट भारत के हर तेल में है, शुक्र है इस बात का कि आरसीएम के हेल्थ गार्ड ऑयल में ट्रांसफेट की मात्रा 0% है, यानी हेल्थ गार्ड में ट्रांसफेट बिल्कुल भी नहीं है। धान का छिलका और चावल के बीच में एक भूरे रंग की परत होती है,
जिसमें से ये तेल निकाला जाता है, जिसे कहा जाता है राइस ब्रान ऑयल। और विश्व का अकेला ये ऐसा तेल है जिसमें तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स एक साथ मौजूद हैं। और ये मैं नहीं कहता, WHO की रिपोर्ट है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये WHO की रिपोर्ट है कि किसी तेल में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, किसी में दो होता है। ये विश्व का पहला ऐसा खाने का तेल है जिसमें तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, टोकोफेरोल्स, टोकोट्रिनोल्स एंड ओरिजिनोल। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की कई तकलीफों को ठीक करने में हमारी मदद करता है। ये एंटी कैंसर होता है, ये हड्डियों में से कैल्शियम की घनता को कम होने से बचाता है, जिस वजह से जोड़ों का दर्द ठीक होता है। यह हार्ट की कई प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, जापान में इसे हार्ट ऑयल का नाम दिया गया। ये इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जिस वजह से डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी ये तेल बहुत लाभदायक है। ये पेट की कई सारी तकलीफों को ठीक करता है, महिलाओं की कई सारी बीमारियों को ये तेल ठीक करने में मदद करता है। चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, चेहरे की त्वचा में चमक लाता है, उम्र के प्रभाव को रोकता है। ये राइस ब्रान ऑयल दो प्रकार का होता है, एक होता है केमिकली रिफाइंड, जो अभी तक बाजार में हम खरीद रहे थे, दूसरा होता है फिजिकल रिफाइंड, जो RCM ने इंट्रोड्यूस किया। फिजिकल रिफाइन होने की वजह से इसके प्राकृतिक गुण इसमें मौजूद रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते। एक लीटर तेल में उतने गुण होते हैं जितने को अलग से अगर आप बाजार में दवाइयों के रूप में लेना चाहें तो 1000 रुपए के लगभग खर्च आएगा, वो भी उतना फायदा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। लेकिन इसमें ये सारी चीजें प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, इसलिए इसमें ज्यादा फायदा होता है। और कई ऐसे लोग हैं जिनको इस तेल के निरंतर उपयोग से बहुत सारा फायदा भी हुआ है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर लखन यादव जी, वो काफी समय से इसनोफिलिया की तकलीफ से ग्रसित थे, मगर इस तेल के लगातार इस्तेमाल की वजह से उनकी ये तकलीफ ठीक हो गई। ये और इसके अलावा हमारे एक और अच्छे मित्र हैं देवदास शुक्ला जी, जिनके पिताजी की उम्र 75 साल है और कई सालों से वो ब्लड प्रेशर की शिकायत से ग्रसित थे, मगर इस तेल के निरंतर उपयोग से उनके ब्लड प्रेशर की शिकायत ठीक हो गई। यानी कई लोगों को इस तेल के निरंतर इस्तेमाल से फायदा हुआ है। और हमारे आसपास यहां भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको इस तेल के इस्तेमाल से फायदा हुआ है। यस, कुछ लोग मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार आप मंच पर आ जाएं। नाम हेमंत साहू, दुर्ग से। वैसे पहले अधिकतर गैस प्रॉब्लम हमेशा हुआ करता था, डेली रोज मेडिकल में एक शाम को एक गोली लेना पड़ता था, लेकिन हेल्थ गार्ड के मात्र एक महीने के उपयोग के बाद वो गैस प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो गई है। चंद्रकांत प्रजापति, खेरसा बाजार, दुर्ग जिला से। मुझे पिछले 3-4 सालों से इसनोफिलिया की बीमारी थी, सर्दी बहुत गहरा रहता था। राजनांदगांव के दो फेमस डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला, और जब से हेल्थ कार्ड आया लगातार मैं उसका सेवन कर रहा हूँ। अब मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और इसनोफिलिया से मुक्त हो चुका हूँ। नाम जितेंद्र साहू, जगदलपुर से। और पहले जो ऑयल यूज़ करता था उसको खाने के बाद एसिड हुआ करता था, खट्टा ढकारा करता था, और जो मेरी त्वचा थी बहुत ही ऑयली थी, जो अब कम ऑयली हो चुकी है और अभी खट्टा ढकार भी आना बंद हो गया। थैंक यू हेल्थ गार्ड RCM। नाम मनोज कुमार पांडे। हेल्थ गार्ड को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी ज़िंदगी में आकर बहुत बड़ा खुशहाली फैलाया मेरे जीवन को। डॉक्टरों ने मना कर दिया था मुझे कुछ फ्राई वाली चीज़ खाने के लिए, बिल्कुल वर्जित था। आज मैं हर चीज़ को खा रहा हूँ इस हेल्थ गार्ड से बनाए हुए चीज़ों को। और गैस्ट्रिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और मेरा वज़न पिछले साल से लेकर, मेरा जो वज़न होता था हमेशा कभी 48 किलो से कभी आगे नहीं गया, लेकिन इस लगातार यूज करने की वजह से आज मैं 58 किलो का हो चुका हूँ। नाम लखन बंजारे, जगदलपुर से। मैं पिछले 10 सालों से गैस्ट्रिक की समस्या से बहुत परेशान रहता था, लगातार 3 महीने के इस्तेमाल से गैस्ट्रिक की समस्या खत्म हो चुकी है। नाम